मैकेनिक भाइयों, यह है ब्रांड न्यू हीरो जूम। और आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। अगर आप इसके राइट हैंड साइड के इस पैनल पे देखें तो यहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड के पैनल को मैंने ओपन कर रखा है अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। जी हाँ, अगर मैं दिखाते चलूँ तो ये जो दोनों साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड अगर देखें तो जो लाइट लगा हुआ है, कंपनी रिकमेंडेड, इसे HICL कहा जाता है। अब ये HICL क्या है और यह सिर्फ जूम के अंदर क्यों लगाया है और यह कैसे काम करता है, कंप्लीट PDF और वायरिंग डायग्राम के मदद से क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा। इसी को लेकर मैंने पूरे बॉडी पैनल को ओपन किया है, रिले को ओपन किया है, ताकि मैं PDF के मदद से अच्छे से इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकूं, इसकी टेस्टिंग कर सकूं। और इसी तरह से इसकी पूरी सीरीज आने वाली है, I3S को लेकर, सेंसर्स को लेकर, ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए सबसे पहले इस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं कि HICL है क्या। तो हीरो वालों ने यह हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग लैम्प ईजाद किया है। अभी चलिए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी वर्किंग दिखाते हैं। गाड़ी को कर ली है स्टार्ट और अभी देखें ये नॉन वर्किंग कंडीशन में है। जैसे ही थोड़ा सा इसकी कॉर्निंग में से थोड़ा सा डिल्ट करेंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा। ये देखें, लाइव प्रूफ मैंने आपके साथ शेयर किया। थोड़ा सा इसको डाउन किया और यह जो लाइट पूरी तरह से जला है, और जैसे इसे अपने नॉर्मल मोड पर लाएंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये इस चीज़ को लेकर जो काफ़ी कन्फ्यूज़न बना था हमारे मैकेनिक भाइयों के माइंड में कि इस चीज़ को वर्क करवाता कौन है, रिले वर्क करवाता है या फिर इसका बैक एंगल सेंसर वर्क करवाता है या इसके अंदर लीन एंगल सेंसर लगा हुआ है। जो इसके लेफ्ट साइड को झुकाऊँ तो लेफ़्ट साइड का लाइट जलेगा, राइट साइड झुकाऊँ तो राइट साइड का लाइट जलेगा। तो ये जो हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग लैम्प है ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। देखें, लेफ़्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये जलेगा ही जलेगा, तो कॉर्नरिंग में काफ़ी सपोर्ट होता है। तो आज से पहले आपने देखा रहेगा कि ये ऊपर ऊपर के सारे डिटेल आपको मिला होगा कि ऐसे ऊपर से लगाया गया, बट अंदर का मैकेनिज्म आपको किसी ने बताया नहीं होगा। तो बने रहें वीडियो में, चलिए वायरिंग डायग्राम और PDF के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि यह कॉर्नरिंग लैम्प कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अभी बात करने वाले हैं जूम एक्सटेक FI RH-HICL LH-HICL, यानी राइट हैंड साइड हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग लैम्प और लेफ्ट हैंड साइड हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग लैम्प। इसके वायरिंग डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और जस्ट इसके बाद हम लोग इसके बूट लैम्प, EOT सेंसर, पर्ज वाल्व और इसके कई सारे वायरिंग हार्नेस के साथ साथ जो नए नए सेंसर्स ऐड किए गए हैं, जैसे साइड स्टैंड सेंसर्स हो गया, फ्यूल पंप हो गया, इसका EOT सेंसर हो गया, फ्रेम अर्थ हो गया, रिले हो गए, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करता है, इसका स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिटेल के साथ वीडियो लाने वाले हैं। क्योंकि जूम के अंदर क्या क्या बदलाव किया गया है, इसके मैकेनिज्म में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में किसी को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन PDF और वायरिंग डायग्राम के मदद से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसीलिए मैं आपको रेगुलर कहता हूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कभी आपको घाटा होने वाला नहीं है, ऑलरेडी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके वायरिंग डायग्राम को समझते हैं, साथ ही साथ इसके वर्किंग को आपने देख लिया। तो LH साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो इसका हीरो इंटेलिजेंट कॉर्नरिंग लैम्प है, इसके अंदर अगर देखें तो टोटल 6 वायर के कनेक्शन हैं। दो ये जो कंप्लीट कपलर कनेक्शन है ये ब्लैंक जाता है, जो अभी मैं लाइव दिखाऊंगा अंदर। बाकी दो इसका इनपुट है, एक ग्रीन कलर का है, एक ब्राउन कलर का है, जो एकदम मेन लाइन है। अब मेन लाइन में इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये इसके बॉडी ग्राउंड से है, जो कई सारे जगहों से जुड़ा हुआ है, जैसे USB मोबाइल चार्जर से जुड़ा हुआ है, बूट लैम्प से जुड़ा हुआ है, EOT सेंसर से जुड़ा हुआ है, हर जगह से ये ग्रीन लाइन जुड़ा हुआ है। बट इस लैम्प को, सारी चीज़ों को जो वर्क करवा रहा है वो यह येल्लो लाइन वर्क करवा रहा है। अब येल्लो लाइन का कनेक्शन है कहाँ पे? तो देखिए, कोई भी अभी जो हीरो की गाड़ियों में जितने भी सारे लाइट का कनेक्शन अगर देखें तो एक रिले से अटैच कर दिया है। कौन सा रिले? तो देखें, यहाँ से एक येल्लो कलर का वायर आता है, तो इस जगह पे 5 पिन का एक रिले लगाया गया है जो यहाँ पे है, ये रिले। इस रिले का ऐड करने का मेन मोटिव कंपनी रिकमेंडेड ये है कि कहीं भी कोई थोड़ा सा लोड ले तो शॉर्ट ना हो,
डायरेक्ट कहीं से वोल्टेज ना मिले, ज़्यादा थ्रोटल खींचने के बाद बल्ब फ्यूज ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक रिले ऐड किया गया है। और कलर कोड अगर इसके अंदर देखें तो येलो कलर का, यहाँ से ही हेडलाइट जलता है, यहाँ से ही हाई बीम लो बीम काम करता है, और यहीं से इसका कॉर्नरिंग लैंप काम करता है। क्योंकि येलो कलर के वायर को देखें तो यहाँ से आया रिले के पास, रिले से आया स्विच के पास, स्विच से चला गया हेडलाइट के पास। वायरिंग एकदम आसान है, फुल्ली एचडी इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करें करवाएंगे। तो अभी कनेक्शन का क्या मैंने समझाया कि ये जो येलो कलर का वायर है यहाँ से तो येलो गया, बट इस सॉकेट कपलर से इसका कनेक्शन चेंज हो गया। नज़दीक से दिखा दीजिए ताकि मैकेनिक भाइयों को कन्फ्यूजन ना हो। देखें, इस सॉकेट कपलर में आया तो वायर येलो, बट जैसे ही अपोजिट साइड गया तो कलर इसका चेंज होकर क्या कलर बदल गया, ब्राउन में। जो वायरिंग डायग्राम में खुद कंपनी कह रही है कि आगे से कलर चेंज हो जाएगा, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो देखें, इनपुट तो आया इधर से येलो कलर में, बट आगे जैसे ही इसका कलर गया वो ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो कि येलो आया तो फिर येलो में वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा। तो येलो से आगे का ये जो सॉकेट कपलर है, इससे आगे जाने के बाद आपका वायर जो है ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दो वायर से एक साइड का कॉर्नरिंग लैंप काम कर सकता है, तो चार वायर देने की क्या आवश्यकता है। देखें, यहाँ पे इसके अंदर कंप्लीट चार वायर आपको देख रहे होंगे वायरिंग डायग्राम में। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो कनेक्शन आता है, यहीं से इसके राइट हैंड साइड कनेक्शन जाता है। चलिए, पीडीएफ में आपने समझ लिया, अब चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए, मेन जो डिल्ड सेंसर लगा हुआ है वो इसके अंदर लगा हुआ, थोड़ा सा पीछे से दिखा दीजिए ताकि हमारे मैकेनिक भाइयों को कन्फ्यूजन ना हो। क्या जी समझा, डिल्ड सेंसर जो लगा हुआ है ये इसके अंदर ही, यही लेफ्ट और राइट करके इसके राइट हैंड साइड को भी वर्क करवाता है, और यही लेफ्ट और राइट होके ये खुद को वर्क करवाता है। यानी ये लेफ्ट साइड झुका तो ये खुद ऑन हो गया, राइट साइड झुका तो ये राइट साइड को ऑन करवाएगा। अब इसके वायरिंग कनेक्शन को हम समझ लेते हैं। तो देखिए, दो वायर जो इसका ये दिख रहा है, एक ब्राउन कलर का और एक ग्रीन कलर का, ये खुद को वर्क करवाने के लिए इसमें इनपुट लेता है और ये ग्राउंड के लिए वर्क करवाता है। परफेक्ट, समझ गए। अब यहाँ से इस राइट साइड को वर्क करवाने के लिए दो वायर इस जगह से जाता है। कलर कोड क्या है, रेड प्लस वाइट कलर और ब्लू प्लस ग्रीन कलर का वायर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से किस साइड जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो देखें, वहाँ से जो वायर, वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो वायरिंग को समझना एकदम आसान हो जाएगा। ये देखें, राइट हैंड साइड जो वर्किंग के लिए भेज रहा है वो ये लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नरिंग लैंप का ही वायरिंग भेज रहा है। यानी सेंसर सिर्फ एक साइड लगा हुआ है और एक ही साइड से दूसरे साइड का भी लाइट जलता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि दो इसके लेफ्ट हैंड साइड के लिए वायर है और दो इसके राइट हैंड साइड के लिए वायर है। एक जो वायर है वो इसके रिले से जुड़ा हुआ ताकि बल्ब या कोई लाइट ऐसा फ्यूज ना हो। अब मैं इसके वायरिंग डायग्राम को समझा देता हूँ कि इन सारे चीज़ों को वर्क करने के लिए एक जगह से कनेक्शन आ रहा है। अगर बीच में से कनेक्शन कटा तो कहीं से कोई चीज़ वर्क नहीं करेगा, और वो कनेक्शन मिलता है यहाँ से, इस जगह से। ये एक सिंगल सॉकेट कपलर इन दोनों जगहों को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर बीच में से इसके हम इस कपलर कनेक्शन को ओपन कर दिए, या बीच में से तार कट गया, या बीच में से टेस्टिंग करना रहा, तो यहाँ से करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक सिंगल कपलर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से इसको कनेक्शन मिलता है। तो अभी आपने इसके वर्किंग को और इसके वायरिंग को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आपको ये बता देते हैं कि जब भी ये कॉर्नरिंग लैंप काम ना करे या जलना बंद हो जाए तो कैसे इसकी मल्टीमीटर से पीडीएफ के साथ टेस्टिंग करना है। कंपनी कहती है टेस्टिंग को लेकर ये दोनों सॉकेट कपलर में से सबसे पहले कॉर्नरिंग लैंप को रिमूव करें और मेन कनेक्टर को यहाँ से डिसकनेक्ट करें। जैसे ही मेन कनेक्टर को डिसकनेक्ट करेंगे, उसके बाद गाड़ी को सेंटर स्टैंड पे लेने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, बंद कंडीशन में हरगिज चेक नहीं करेंगे। चलिए, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद मल्टीमीटर का उपयोग करना है। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया है, मल्टीमीटर को भी मैंने ऑटो मोड पे सेट कर रखा है। जो रेड प्रोब रहेगा वो इसके येलो वाले वायर में, और जो ग्रीन प्रोब रहेगा वो इसके ग्रीन वाले वायर में ऐड करेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया, यहाँ मिलेगा वायर आपको येल्लो, आगे हो जाएगा ब्राउन कलर का, जो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो। देखें, यहाँ से हो गया ना ब्राउन, अच्छे से देख लें, ये देखें ब्राउन हो गया, बट वहाँ पे आपको मिलेगा येलो कलर का। तो येलो कलर वाले में लगाएंगे इसको, और इसके अंदर इनपुट 12 वोल्ट होना चाहिए, कम से कम मिनिमम इसके अंदर 9 वोल्ट होना चाहिए जब ही वर्क करेगा।
तो देखें अभी जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है तो इनपुट वोल्टेज अगर देखा जाए तो 13+ है, यानी इसके अंदर जो कॉर्नरिंग लैंप को वर्क करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज मिलना चाहिए वो परफेक्ट मिल रहा है। अगर वोल्टेज मिले उसके बाद भी कॉर्नरिंग लैंप काम ना करे तो कॉर्नरिंग लैंप को कंपनी रिकमेंडेड चेंज करने को कहा गया, पूरी तरह से बदल दें, दूसरा लगा के चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर केस में जो ख़राब होगा वो इसके लेफ्ट हैंड साइड का ही होगा, राइट हैंड साइड का ख़राब नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड का वर्क नहीं करवाता है खुद को, वो लेफ्ट हैंड साइड के भरोसे बैठे रहता है। तो ये था कंप्लीट कॉर्नरिंग लैंप का वर्किंग डिटेल, कंप्लीट टेस्टिंग डिटेल। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्पफुल भरी जानकारी मिली हो, आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन रहता है मैं उसको वीडियोज़ के थ्रू, PDF के थ्रू, वायरिंग डायग्राम के थ्रू क्लियर करता हूँ। तो इसी तरह से रेगुलर वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं ताकि आप गलती ना करें। जब भी यहां पे आपको वोल्टेज दिखेगा वो रनिंग कंडीशन में, इंजन ऑन रहेगा जब दिखेगा। अभी देखें चाबी स्विच मैंने ऑन रखा है, हॉर्न बजा के दिखा दूँ, चाबी स्विच ऑन है, उसके बाद भी वोल्टेज नहीं है। तो जब भी यहाँ पे चेक करेंगे तो हम गाड़ी को स्टार्ट करके ही चेक करेंगे 12 वोल्ट का वोल्टेज, क्योंकि अभी कोई वोल्टेज नहीं है इग्निशन ऑन करने के बाद। तो DC सप्लाई से कॉर्नरिंग लैंप काम नहीं करता है।